हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टीटी नगर स्टेडियम का वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेडियम घुमाऊंगी। और यहाँ पर जो है बाहर से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलने के लिए आते हैं और काफ़ी अच्छे वहाँ पर गेम्स होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप मेरे वीडियो पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर स्टेडियम के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अटल पथ बना हुआ है, और यहाँ से हम न्यू मार्केट से होते हुए आए हैं और ये टीटी नगर स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है। ये बाहर का एरिया है, यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग भी होती है। यहाँ पर दो गेट हैं, एक फोर व्हीलर के लिए, एक टू व्हीलर के लिए। ये रिसेप्शन रूम है। जब टू व्हीलर पार्किंग की इधर से हम अंदर को एंट्री करते हैं तो यहाँ पर रिसेप्शन रूम आता है। तो यहाँ से बाहर निकलते हुए सब बच्चों की एंट्री की जाती है और उनके पेरेंट्स जिनके साथ वो आते हैं उनके साइन लिए जाते हैं। और यहाँ पर ये चारों तरफ से जो है आप देख सकते हैं, ये बाहर का एरिया है स्टेडियम के। और यहाँ पर कुछ गेम्स भी हो रहे थे, कुछ पार्टीज़, कुछ बाहर से जो टीम्स आती हैं वो अलग अलग गेम्स की, वो सारी गेम्स की टीम दिख रही थी। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे थे, क्राउड हो रहा था, अंदर से भी काफ़ी क्राउड था। तो अब हम अंदर की ओर चलते हैं, जो कि जहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं स्टेडियम के अंदर। तो यहाँ पर हम जब गए तो राइट साइड में काफ़ी सारे जो थे आप देख सकते हैं रूम्स भी बने हुए हैं। लेफ्ट में जो आप ग्रीन कलर की नेट देख रहे हैं, यहाँ पर लॉन टेनिस का गेम होता है। ये लॉन टेनिस कोर्ट है और अंदर बच्चे यहाँ पर गेम्स जो है वो वहाँ पर स्टार्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ बच्चे आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर के शटर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक रास्ता है। तो यहाँ से हम सीधे स्टेडियम के अंदर पहुँच जाएंगे। और एक रास्ता जो है यहाँ से भी है, थोड़ा उसके आगे से है। तो ये ब्लू कलर का जो बड़ा सा आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये गेट के अंदर हम जैसे ही एंट्री करते हैं वैसे ही हमें ये स्टेडियम का पूरा लुक दिखाई देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा सारा सा एरिया है और बहुत अच्छा लग रहा था इसके अंदर एंट्री करके। ये आप ब्लू कलर का जो ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे रनिंग करते हैं और रेस होती है। और यहाँ पर काफ़ी गेम्स बच्चे खेल रहे थे, कोई जंपिंग कर रहा था, कोई लॉन्ग जंप कर रहा था, कोई रनिंग कर रहा था, कोई फुटबॉल खेल रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से अभी जॉगिंग चल रही थी। बच्चों का टाइम हो गया है आने का, तो इसलिए वो बच्चे धीरे धीरे करके आ रहे थे और कुछ अपने अपने जो गेम्स आ चुके थे वो अपनी गेम्स की तैयारी कर रहे थे, कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे। ये स्टेयर्स हैं जहाँ पर ऑडियंस बैठकर देखती है बहुत टाइम में, कभी कभी बच्चे भी आकर बैठ जाते हैं। इसमें कोच जो होते हैं इस स्टेयर्स पे भी एक्सरसाइज करवाते हैं, ऊपर नीचे वाली, अब वो जैसा भी होता है कोच के हिसाब से अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं कुछ टीम्स बैठी हुई हैं जो बाहर से आई हुई थी, इनका गेम्स हो चुका था और इनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे हुए थे, अलग अलग स्टेट के, कोई झारखंड से आया था, कोई ग्वालियर से, कोई कहीं से, अलग अलग तरह के स्टेट्स और सिटीज़ के जो बच्चे थे वो बैठे हुए थे। यहाँ पर कुछ बच्चे जो बीच में आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है वहाँ पर फुटबॉल मैच होता है। यहाँ पर हमने कोच से पूछा तो कोच यही बोले कि यहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा फुटबॉल की है, क्योंकि बच्चों को फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ फुटबॉल की है। तो ये बच्चे जो रनिंग कर रहे हैं ये सारी फुटबॉल के लिए जो है वो गेम्स प्ले करने के लिए आते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ये लॉन टेनिस कोर्ट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये लॉन टेनिस कोर्ट है। और यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं जितने भी प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा सारा है, यहाँ पर बैठने के लिए ऑडियंस को जगह दी गई है, जो बैठकर देखना चाहें वो बैठकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी अगर स्टेडियम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो रेगुलर आना चाहता है, यहाँ पर जो है समर सीज़न में समर कैंप भी लगता है, तो वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। और जो गेम्स के लिए जो लोग बच्चे पीछे हैं वो आगे आएँ, बढ़कर आएँ, क्योंकि गेम्स में भी काफ़ी आगे चलकर जो है बहुत बेनिफिट होते हैं। तो मैं यहाँ से बाहर आ चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं जगह। तो यहाँ पर जो बाहर से बच्चे आते हैं, काफ़ी शौकीन जो होते हैं, जिनको गेम्स का शौक़ होता है, तो वो यहाँ पर हॉस्टल भी अवेलेबल है गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी। तो ये हॉस्टल में यहाँ पर बच्चे रहते हैं और जैसे ही टाइम जो होता है गेम्स का, जो खेलने का, तो वहाँ पर वो स्टेडियम में चले जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये स्टेडियम की चारों तरफ जो रोड है बनी हुई है, ये उसी वही वाला एरिया है।
एक यहाँ पर गेट जो है एग्ज़िट होने का है, जो बाहर एग्ज़िट हो जाएंगे हम, लेकिन मोस्टली ये ज़्यादातर बंद ही रहता है। अब ये वापस में आ गई क्योंकि चारों तरफ ऐसी ही रोड बनाई गई है। यहाँ पर 67th स्टेट लेवल स्कूल्स गेम्स 2023 हुए थे, जिसमें स्क्वैश वगैरह सारे गेम्स हुए थे। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसके राइट साइड में नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर डाइनिंग हॉल है, एक्सरसाइज भी होती है यहाँ पर नीचे अंदर। और यहाँ पर हम देखेंगे, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो अभी वो बंद था। तो अभी मैं आप लोगों के लिए जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है रास्ता, ये मैं सीधे नीचे की ओर जा रही हूँ जहाँ पर मैस है। जो भी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आके रहते हैं तो उनका जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, वो सब यहीं आकर करते हैं। तो ये अंदर जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिस बने हुए हैं, वो जो अलग अलग कामों के लिए हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में यहाँ पर एक जिम भी था, कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप मशीनें रखी हुई थी अलग अलग तरह की, एक्सरसाइज करते थे ये बच्चों के लिए, जूस वगैरह, बिस्किट वगैरह, एनर्जी वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते थे वो यहाँ पर सेल आउट होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैस है, डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर सारे बच्चे बैठकर एक साथ खाना खाते हैं, लंच करते हैं, जो भी यहाँ पर आकर रहते हैं हॉस्टल में, बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप देख सकते हैं ये सारी चेयर्स और डाइनिंग टेबल्स उन्हीं के लिए लगी हुई हैं। यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर देखेंगे तो इसके ऊपर साइड जो लेफ़्ट साइड जो जगह होती है, यहाँ पर ऊपर कबड्डी का गेम होता है, तो यहाँ पर रोज़ बच्चे कबड्डी खेलते हैं। अभी इस टाइम पर कबड्डी का टाइम नहीं था, यहाँ पर एक्सरसाइज मशीन रखी हुई थी, कुछ बच्चे यहाँ पर योगा कर रहे थे, कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ पुशअप्स कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे अपने यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये मशीन्स जितनी भी हैं एक्सरसाइज मशीन है, वो सारा इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। और आप देख सकते हैं अभी ये बंद है, इसके अंदर हमने जाकर देखा तो वहाँ पर भी एक ग्राउंड सा था और ऑडियंस के लिए भी जगह बनी हुई थी। यहाँ पर हमने पूछा तो यहाँ पर योगा होता है, डांस क्लासेस भी लगाई जाती हैं, डांस टीचर होते हैं यहाँ पर। और यहाँ नीचे से आते हुए ब्लू कलर की जो आपको बिल्डिंग दिख रही है थोड़ी सी, वो वहाँ पर मार्शल आर्ट्स होता है। और ये सारा के सारा जो है स्टेडियम के बाहर का हिस्सा है, इसके अंदर साइड स्टेडियम है। ये जो टीम्स खड़ी हुई आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, अब ये घर जाने के लिए अपने तैयार हो चुके हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रॉफी मिली थी, कुछ लोगों को शील्ड मिली थी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर सारा स्टेडियम नहीं घुमाया, काफ़ी सारे जो अलग अलग कोर्ट्स थे गेम्स के, वो मैंने अभी आगे वीडियो में घुमाना है। तो अभी सिर्फ मैं इतना ही पार्ट्स आपको दिखा पाई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।